12 बजे तक का गुलिस्तान न्यूज अपडेट क्या कुछ कह रहा है। कुल मिलाकर 34% वोटिंग 12 बजे तक का अपडेट, जिसमें कश्मीर सूबे में 23% पोलिंग हुई है जी, और जम्मू के अंदर 45% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 12 बजे तक का अपडेट, अभी इलेक्शन कमीशन का आना बाकी है, हम आपको पहले ही जरा अपडेट कर देते हैं अपने तरीके से। और 12 बजे तक का गैर सरकारी तौर पर जो अपडेट है वो 34% पोल दोनों सूबों के अंदर मुकम्मल हो गया, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 12 बजे तक, कश्मीर के अंदर 23% और जम्मू के अंदर 45%। 12 बजे का अपडेट जल्दी से। अब जरा जिला वाइज पुलवामा 1% बढ़ गया है जी, 7% हो गया 12 बजे तक। बारामुल्ला 35%, यहां पर थोड़ा सा उछाल आपको नजर आ रहा है। कुलगाम 8%, ज्यादा कोई गर्माहट नहीं है इस बार कुलगाम के अंदर। और शुपिया 6%, यहां पर भी बिल्कुल गर्माहट नहीं है। आगे बढ़िए पुलवामा में 7%, तो ये आप देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट में सारा अटक रहा है। बांडीपोरा नॉर्थ चलते चलते तस्वीर बदल रही है, 41%। बड़गाम डबल डिजिट में आ गया, 27%। और साथ साथ अनंतनाग फिर 7%, यानी साउथ में सिंगल डिजिट में है, और नॉर्थ के अंदर कपौरा 42% है। आप नॉर्थ साउथ को इकट्ठे देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है जी डबल डिजिट। और ये अब जरा रुख करते हैं जम्मू का, और जम्मू के अंदर सबसे पहले क्या कुछ आपको दिखाएंगे, चिनाब घाटी लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं, कश्तवाड़ सरहदी जो पहाड़ी इलाका है 47% पोल मुकम्मल 12 बजे तक। उधमपुर में डबल डिजिट 38% पोल, और सांबा में 58% 12 बजे तक मुकम्मल हो गया है। और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर 48% पोलिंग, अभी विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे। और साथ साथ आगे बढ़ेंगे रजौरी के अंदर 54% पोलिंग मुकम्मल हो गई है, और कठुआ के अंदर 44% पोल मुकम्मल हो गया है, और साथ साथ जम्मू में 46% पोलिंग मुकम्मल हो गई है। और इस तरीके से रियासी जहां पर 50% से ज्यादा वोटरों ने अपनी राय दी का इस्तेमाल किया है, रजौरी में भी आधे से ज्यादा वोटर्स ने अपनी राय दी का इस्तेमाल किया है। 12 बजे तक का अपडेट हमने आपके सामने रख दिया।